एक रिजल्ट आए खेती का। अगर अच्छी खेती होती है तो खुशी होती है। खेती में तो जो बोओगे तो आएगा सब कुछ, लेकिन एक किसान उसमें लगा रहता है, उसकी फसल अच्छी आती है तो खुशी होती है। और अगर ये टास्क ना मिले तो खेती नहीं करेगा कोई। अगर ये बिजनेस करते हो, दुकान चलाते हो, अगर दुकान पे ये टास्क ना हो कि हमें इसका प्रॉफिट होगा तो दुकान छोड़ दे। इसी तरह एक खिलाड़ी अगर उसको कंपटीशन नहीं होगा तो खेल छोड़ दे। उसका दावा वादा मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को खेल नहीं छोड़ने दूंगा। आप लोगों को आराम से खेल के अधिकम निष्कर्षण के साथ अपने आप की वैल्यू के साथ। दूसरी प्राइज हम लोग 29 एक खिलाड़ी होता है, आम आदमी तिरंगा लहराता, खिलाड़ी तिरंगे की रोशनी को चमकाता है। लहराना कमाल नहीं, कमाल है उसकी रोशनी को पूरी दुनिया में दिखा। और अभी हमने दिखाया कि ये कला सिर्फ खिलाड़ियों में है और किसी में। तो हम लोगों को जज्बा यही होना चाहिए कि अपने देश का तिरंगा दुनिया में फैल चमका है। तो इसलिए आप लोग चोरी करना, चोरों का साथ देना, चोरों का साथ नहीं होगा। कुछ नहीं तो कम से कम आशीर्वाद ही दीजिए। लेकिन ये थोड़ी है जो है हम तुम्हें 7 रुपया दें, 2 लाख 2.5 लाख रुपया 400 लड़के आ गए अभी यहाँ पे कितने। अगर मान लीजिए मैं समझता हूँ 70-75 लड़के 100+ है। अगर हम सोचे कितना हो गया जेब में रखते अपने निकलते ईश्वर एक फोटो देख रहा है। अब तुम लोग अच्छे और एक बात बता दूं, हमारे जो खास रेफरी है ये आपके राजस्थान इंटरनेशनल कॉलेज में आप शिक्षक हैं, आप आगरा के रहने वाले हैं, आप आम रेसलिंग और कबड्डी के विशेषज्ञ सोलंकी जी जो हमारे बीच में है, जिनको स्पेशली बुलाया गया है, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और हकीकत तो हमारा प्रश्न लेकिन ये जो ये सब आया है इसके मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मुझे नशा दिया। तो आप लोग इनसे इनको देखिए, हमारे यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सबसे मजबूत जिसका नाम है फैजान अली पावर लिफ्टिंग में, इनसे इनका मुकाबला है नहीं। आप भी आपका आपके साथ ये भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी क्वालिटी थी, मैं एक और बताऊंगी, मैं यहाँ कॉम्पिटिशन कराया चीनस का और कैराबाग जिले का, तो एमयू का लड़के का जो प्लेस पॉइंट था वो बुलाया था, वो जानता नहीं क्या कर रहा हूँ। अभी से मैं इसको बहुत प्रेम मेरा बढ़ गया था, इसने जो भी अगर ये चाहे नहीं किसी का भी नहीं किया है। और इनके पिताजी एक बहुत अच्छे अपने वक्त के पहलवान रहे हैं, बुरा पहलवान है। दूसरा हमारे ये कैप्टन है शादी गया वे लिफ्टर है, साथ में करीम साहब हैं जो यहाँ देख रहे हैं पूरा। और ये आपके का चेहरा आप देख लीजिए, ये आपके डिस्ट्रिक्ट के सिक्योरिटी सर हैं जो कि अच्छे से प्रमाण कराया था स्टेट, इस सब ऐसा बात भी बता दें। ये हमारे मौजूदा कैप्टन हैं, ये हमारे पास है। और हमारे यहाँ पर हमारे वे गुरु हैं जिनको देख के हम मोटिवेट हुए थे, ओम प्रकाश शर्मा जी। यहाँ एक ईमानदार आदमी है, खुददार आदमी है, ये आपके साथ है। अच्छा कोशिश आप लोग करिए, आप लोग बीच में ना एक वहां आप रहिए, वहां जिसको बुलाया जाए सब लोग वहां सीख पाए। मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने पुलिस लाइन से हमारे श्री जगदेव सर और योगेंद्र चौधरी जी, मैं आप दोनों लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। अब आप जो हमारी बातों की तालीम जा रहे थे अतिथि देवो भव, अतिथि के लिए लोग आता है। और
वाली जो हमारा कहाँ है हाँ बस दो और हम अभी दो हमारे अरे दो परचम रह गए ये इनकी मैं बच्चों को बताना चाहूंगा ये दीपक शर्मा जी हैं। दीपक शर्मा जी उत्तर प्रदेश के पहले कोच हैं जो अलीगढ़ की बेटी भावना जो लड़की लेकर आई है जो मिस यूपी और मिस इंडिया बॉडी बिल्डिंग में खिताब किया है दीपक शर्मा और ये नॉर्थ इंडिया चैंपियन है बॉडी बिल्डिंग है और बेहतरीन जो है पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर है। इसी के साथ एक हमारा अर्पित जी है उसको बगल में नहीं खड़ा करता ही मैन है ये भी एक बेहतरीन हमारे हमारे पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डिंग में है अपने जिम संचालित करते हैं और आज ये कॉम्पिटिशन भी लड़ेंगे और एक कॉम्पिटिशन में लास्ट पकड़ रहा हूँ ओपन जिसका जिससे मर्जी बस उसका वजन 70 किलो से ऊपर होना चाहिए जो चाहे पंजाब में रोक दे उसका अलग सीन ठीक है। आप लोगों को पुरस्कार वितरण 11 बजे से होगा तो डिजाइन तो खेल दिवस पर सफर इकबाल साहब जो हमारे हिंदुस्तान को मास्को में जो है मास्को ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल दिया था पद्मश्री है अभिनय वाली है भारत के दो दो बार कैप्टन रहे हैं इंडिया टीम के हाथी के इंडिया टीम के सिलेक्टर रहे हैं आज भी इंडिया टीम के हाथी को आइए भाई लीजिए तेरे सबसे हाथी भाई लकी और दिव्यांग का आ जाते हैं लकी शर्मा और दिव्यांग आइए दोनों आइए Thank you.